हेलो गाइस, तो आज की वीडियो का टॉपिक है रोयो प्लांट, जिसे हम बोट लिली भी कहते हैं। और लीव्स तो आप देख ही रहे हैं इसकी कितनी प्यारी हैं। ऊपर से ग्रीन कलर में है और नीचे से पर्पल, बॉटम शेड है उसका, बॉटम वो पर्पलिश है, जैसे जामनी कलर जिसे कहते हैं हम। और ऊपर से फ्रेश फ्रेश ग्रीन, नीचे से थोड़ी डार्क ग्रीन। जो नई पत्तियाँ निकलती हैं वो पैरेट कलर की निकलती हैं, जैसे जैसे मैच्योर होती रहती हैं तो वो थोड़ी डार्कर टोन में आती जाती हैं। और इस प्लांट को पानी भी चाहिए, और सेमी शेड में रखेंगे तो अच्छे कलर आते हैं। इंडोर में इतने अच्छे कलर नहीं आते हैं, ग्रीन ही निकलते रहते हैं, पर्पलिश नहीं आता। और ज़्यादा धूप में रखते हैं तो पत्तियाँ सड़ जाती हैं। तो सेमी शेडेड ये प्लांट है, और पानी हल्की सी मॉइस्ट चाहिए इसको, मतलब कि अपनी सॉइल। तो ड्राई करेंगे तो पत्तियाँ सूखने लग जाती हैं। और कई वैरायटीज़ में आता है ये, इसको तो कहते हैं देसी वाला कहते हैं इसको, ज़्यादातर घरों में यही पाया जाता है। और एक और भी है जिसमें हल्की हल्की मतलब कि लाइन सी बनी होती हैं टाइगर प्रिंट की, हल्की हल्की थोड़े थोड़े प्रिंट्स होते हैं, लंबे लंबे प्रिंट्स उसके ना, तो वो भी प्लांट काफ़ी अच्छा होता है। वो भी पर्पल शेड का ही है, ऊपर से भी पर्पल ही होता है वो, लाइट पर्पल सा, तो वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो और दो तीन वैरायटीज़ तो मैंने देखी हैं, कहते हैं कई वैरायटीज़ होती हैं, तो ज़्यादा नहीं पता मुझे कितनी हैं। तो इस प्लांट को मैं रिपोर्ट करने लगी हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे से, इसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत है। अब काफ़ी बढ़ रहा है, रूट्स ऊपर ही आ रही हैं इसकी, और नीचे से ना इसकी इतनी मिट्टी नहीं है, गमला भी छोटा है इसका, पॉट इतना छोटा है इसका। और काफ़ी ये मतलब कि अब ग्रोथ की स्टेज पे है, तो मुझे लग रहा है कि जितना ही बड़ा मैं इसको पॉट प्रोवाइड करूँगी, जहाँ तो मैं इसको सेपरेट कर दूँ, आधे प्लांट्स इसी में रहने दूँ। रिपोर्ट तो इसको भी करना ही पड़ेगा, सॉइल को सारा हिलाना पड़ेगा, सॉफ्ट हो जाती है सॉइल उससे और प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। और आधे को किसी और में लगा दूँ, या फिर कोई बड़ा ही पॉट हो, तो बड़ा पॉट फिर ये है, इसके कंपैरिजन तो वैसे बड़ा ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा फिर भी नहीं है, तो फिर थोड़े दिनों बाद रिपोर्ट करना पड़ेगा। इट्स बेटर कि मैं दो में कर लूँ, और फिर मैं बाद में ना, मेरा यही होता है कि मैं किसी फ्रेंड्स वगैरह को गिफ्ट कर देती हूँ, जो भी आता है, जो भी कह देते ना कि प्लांट सुंदर लग रहे हैं, ये है, तो फिर उनको गिफ्ट कर देती हूँ। तो अब इसको सेपरेट कर देते हैं हम, इतनी सी सोइल डाल के पहले, फिर देखते हैं क्या हिसाब किताब रहता है। दो तीन इसमें आ जाएंगे और दो तीन उधर हो जाएंगे। इस प्लांट से मैंने अभी अभी निकाला है वो वाला, वो भी वीडियो जरूर देखिए, सिंगोनियम का प्लांट, जो पिंकिश लीव्स वाला, वेरिगेटर लीव्स हैं उसकी, बहुत ही प्यारा था। तो उसमें इसमें उसकी ग्रोथ हो नहीं रही थी, तो फिर मैंने उसको रिपोर्ट कर दिया। तो इसको भी निकालने में देखते हैं, थोड़ी मेहनत तो लगेगी, ऐसे ही तो तोड़ नहीं सकते सीधे, और इतनी ज़्यादा हार्ड हुई पड़ी है, रूट्स ऊपर ही आई पड़ी हैं इसकी, तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो बस निकालना तो बहुत ही मुश्किल हुआ पड़ा है, ये इतना ज़्यादा रूट बाउंड हो चुका है। ये देखिए कैसे रूट्स इसकी दिख रही हैं ऊपर से, और थोड़ा सा ही मैं मतलब कि ज़्यादा पकड़ रही हूँ, तो इतनी लीव्स इसकी ना डेलिकेट सी लीव्स हैं, सॉफ्ट सी, तो लीव्स टूट रही हैं, तो पूरे ध्यान से करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं ऐसे ही निकल जाएगा पूरा प्लांट तो मुश्किल है, क्योंकि ना काफ़ी हार्ड है ये पॉट, ये बिल्कुल बैंड नहीं हो रहा, ये तो थोड़ा दबा के हम निकाल लेते हैं, वो खींच भी नहीं सकते जैसे दूसरे प्लांट्स को, थोड़ा खींच के बंदा निकाल लेता है। पहले साइड से जो रूट्स है ना इसकी ज़्यादा ही, उनको थोड़ा पॉट से अलग करना पड़ेगा, काट काट के ऐसे नाइफ से, और तो कोई तरीका है नहीं। फिर बहुत छोटे छोटे प्लांट भी निकल रहे हैं साइडों से, तो रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है, इसको थोड़े दिन पहले कर लेना चाहिए था। देखिए कैसे लीव्स मुड़ मुड़ के ना, ये तो सूख जाएंगी, अब ये रिवाइव तो होंगी नहीं, ये टूट रही हैं।
देखिए नीचे से इतना कलर प्यारा है ना, इतना पर्पल कलर है इसका। तो जैसे हम थोड़ा हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, थोड़ा ऊपर करके रखते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है।